केले की सब्जी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या इस तरह से बनाकर खाई है? तो फ्रेंड्स, आज मैं केले की सब्जी आपके साथ एक बहुत ही यूनिक तरीके से बना कर शेयर करूंगी, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माही खाना खजाना में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन झट से आपके पास पहुंच जाए। ये सब्जी आप किसी भी पार्टी के में भी अच्छे से सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए बनाते हैं केले से एक स्पेशल सी रेसिपी। मैंने यहाँ पर उसके लिए 4 केले लिए हैं। अब हम इनको और केलों को लेने से पहले ही मैंने धो लिया है, क्योंकि आप जानते हैं केले के छिलकों के लिए बहुत अच्छी चटनी बनती है। लेकिन आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे, चटनी को हम किसी दिन बाद में शेयर करेंगे। अब फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे से छील लेंगे, पूरे केले का छिलका बहुत ही अच्छे से हमें उतार लेना है। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने आपसे बातें करते करते केलों को अच्छे से छील लिया है। फ्रेंड, जैसे हम सब्जी के लिए 1/2 इंच के टुकड़ों में केले को कट करते हैं, इस बार हमें 1/2 इंच से थोड़ा सा मोटा टुकड़ा रखना है। तो अब हम इसको पूरा छील के और 1/2 इंच से मोटे टुकड़ों में कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, हम अब इसको 1/2 इंच से मोटे टुकड़ों में अच्छे से कट कर देंगे। इसी प्रकार से हम सारे केलों को अच्छे से कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, और जब मैंने पहली बार ये सब्जी बनाई थी तो मेरे घर में सबने बहुत ही अच्छे से खाई थी। तो इसलिए आप इस सब्जी को एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, हमने केलों को भी अच्छे से कट कर लिया है। फ्रेंड्स, अब हम एक प्याज को पिटल शेप में कटा हुआ भी इसके साथ लेंगे, और इसी तरह से हमें टमाटर को भी लेंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम एक शिमला मिर्च को भी बारीक कट स्क्वायर शेप में कट करके ले लेंगे। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास लाल पीली शिमला मिर्च है तो हम उनका यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब गैस पे चलते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एक बॉल लेंगे और बॉल में इन सब्जियों के लिए एक मैरिनेशन बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम इस बॉल में 2 चम्मच मैदा बेसन ऐड करेंगे, थोड़ी सी अजवाइन ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी ऐड करते हैं। मैंने यहां पर 1 पिंच हल्दी का यूज किया है। थोड़ी सी लाल मिर्च लेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसको 2 चम्मच दही के साथ हम अच्छे से इसका एक पेस्ट बनाएंगे। फ्रेंड्स, पेस्ट को हमें ना ज्यादा पतला बनाना है और ना ही ज्यादा गाढ़ा बनाना है। फ्रेंड्स, ये देखिए, पेस्ट को हमें घोलते जाना है जब तक इसके सारे लम्स खत्म ना हो जाए। इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए और इसकी कंसिस्टेंसी ना ही ज्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही ज्यादा लाइट होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। पेस्ट हमारा ऐसा होना चाहिए। अब हमने जो केला, प्याज और टमाटर इनको रखा था, इन सभी सब्जियों को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें जब तक मिक्स करना है जब तक हमारा मैरिनेशन सारी सब्जियों पे अच्छे से लग नहीं जाता। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा जो मैरिनेशन है वो सारी सब्जियों पे अच्छे से लग गया है, और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि हमने इसमें अजवाइन, कसूरी मेथी, दही और सारे मसालों का यूज किया है। तो फ्रेंड्स, इसको हम अब 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखें। हमने जो सब्जी में पिटल शेप की प्याज डाली है, उसका जो बचा हुआ पार्ट था उनको हम अच्छे से भून लेंगे और इसको हम दही के साथ एक पेस्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारी प्याज अच्छे से भून चुकी है। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं और निकाल के ठंडा होने के बाद दही के साथ एक पेस्ट के रूप में तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड, अब हम इसी कढ़ाई में हमने जो मैरिनेशन के लिए सब्जियां रखी थी उनको भी अच्छे से ऐड करेंगे और इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें सारी सब्जियों को अच्छे से डालना है।
फ्रेंड्स एक बार में जितनी सब्जी आई हमने उसको कढ़ाई में ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छे से सिकने देंगे जब तक इसका ये दोनों तरफ से। फ्रेंड्स इसको हम अच्छे से सिकने देंगे, जब ये एक साइड से सिक जाएगी तो इसको वापस पलट के सेकेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमने केलों को एक तरफ से अच्छे से सेक लिया है, अब हम इनको पलट देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाए। हम सारे केलों को अच्छे से पलट देंगे। फ्रेंड्स अब हम सारी सब्जियों को अच्छे से पलट देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी बहुत ही अच्छे से पक जाए। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं एक साइड में इसका कलर कितना अच्छा आया, इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी इनको सिकने देंगे। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से पक गई है, अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी प्रकार से हम बाकी सब्जियों को भी इसमें ऐड करके दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स दूसरे बैच को भी हम कढ़ाई में ऐड कर देते हैं ताकि वो भी अच्छे से सिक जाए। तो फ्रेंड्स ये लीजिए मैंने दूसरे बैच को भी कढ़ाई में अच्छे से ऐड कर दिया है ताकि ये अच्छे से सिक जाए। ये सब्जियां एक साइड से पक गई हैं, अब हम इनको दूसरी साइड पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी इनको अच्छे से पका लेते हैं ताकि इनका जो फ्लेवर है वो तो बहुत ही यम्मी हो जाए। फ्रेंड्स ये लीजिए मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से पलट दिया है, आप देख रहे हैं इनके ऊपर जो हमारा मैरिनेशन था उनकी कोटिंग बहुत ही अच्छे से आई है और उनका कलर भी बहुत ही अच्छा हो गया है। इनको इस साइड से भी अच्छे से सिकने देते हैं। फ्रेंड्स ये लीजिए सारी सब्जियां हमारी दोनों तरफ से अच्छे से मैरिनेट हो गई है, अब हम इनको भी बाहर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स मैरिनेशन करने से एक फायदा है, हमारी सब्जियां बहुत ही जल्दी पक के तैयार हो जाती हैं और उनका टेस्ट भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंड्स अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। मैंने यहां पर 2 चम्मच ऑयल का यूज किया है, मैंने यहां पर 2 चम्मच ऑयल का यूज किया है। फ्रेंड्स हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे और इसके बाद हमने जो प्याज को दही के साथ पीस के रखा था ना उसको ऐड करेंगे। एक बड़ी इलायची ऐड करेंगे और इन सभी को अच्छे से सॉटी कर लेंगे और इसके बाद हमने जो दही का पेस्ट प्याज के साथ बना के रखा था उसको ऐड करेंगे और इसको हमें अच्छे से पकाना है। फ्रेंड्स क्योंकि हमारी प्याज पहले से पकी हुई है तो हमें ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, अब हम इसमें हमने जो टमाटर की प्यूरी बना के रखी है उसको ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से सॉटी कर लेंगे। फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिए, जब हमने ग्रेवी बनाई थी टमाटर की तो उसके साथ ही हमने लहसुन को भी ऐड कर दिया था, अब हम इसको अच्छे से सॉटी कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा प्याज लहसुन टमाटर अच्छे से सॉटी हो गया है, अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करते हैं जैसे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून ही मैंने चिली पाउडर लिया है और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने धनिया पाउडर लिया है। इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर। फ्रेंड्स ये लीजिए हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अगर आप इस स्टेज में दही डालना चाहते हैं तो आप दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दही मैंने मैरिनेशन में डाली है तो इस स्टेज में मैं इसमें ताजा दूध की 1 चम्मच मलाई ऐड करूंगी। और इसको मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स बहुत ही रिच, फ्रेंड्स आप इस सब्जी को ग्रेवी की भी बना सकते हैं, बिना ग्रेवी की भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी जो स्पेशल इस सब्जी में जो स्पेशल बात होती है वो ये होती है ये बहुत ही रिच ग्रेवी की होती है। तो फ्रेंड्स ये लीजिए
हमारी ग्रेवी बनके तैयार है। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करते हैं। हमें अगर ज्यादा थिक ग्रेवी की सब्जी खानी है तो हम इसमें पानी की मात्रा को कम डालेंगे, नहीं तो हम पानी की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने पानी को ऐड कर दिया है, और मैं ये सब्जी सूखी बनाऊंगी तो इसलिए मैं ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए हमारे ग्रेवी में एक अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हमने जो सब्जियों को मैरिनेशन करके रखा था उसको इस ग्रेवी में ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब एक लीड से इनको कवर करेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पे रखेंगे। फ्रेंड्स चलिए पैन के लीड को हटाते हैं और अपनी सब्जी को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स ये लीजिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। हमें ज्यादा ग्रेवी की सब्जी नहीं चाहिए थी तो हमारी सब्जी बिल्कुल वैसे ही बनी है। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये लीजिए हमारी केले शिमला मिर्च की सब्जी बनके तैयार है। खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है। आप इसे किसी पार्टी में भी सब्जी के रूप में सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब एक प्लेट लेते हैं और इनकी प्लेटिंग करते हैं। फ्रेंड्स चलिए हम अपनी सब्जी को सर्व करते हैं। फ्रेंड्स एक बार ये सब्जी बना के जरूर ट्राई कीजिए, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। और आप इसे पूरी रोटी नान पराठा चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है और किसी के भी टिफिन में भी आप इसे इजीली दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। फ्रेंड्स कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।